आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो जितनी भी छात्राएं क्लास टेंथ में हैं और 2023 वार्षिक परीक्षा अर्थात बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, आप सभी के लिए यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूँ ग्रह विज्ञान का मॉडल पेपर। जी हाँ, जनवरी माह में त्रिबोर्ड परीक्षाएं हैं, जनवरी और फरवरी माह के मध्य में, और इसलिए मैंने आप सभी को प्री बोर्ड से रिलेटेड मॉडल पेपर प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में हिंदी विषय का प्री बोर्ड से रिलेटेड मॉडल पेपर देख सकते हो, और उसको मैंने सॉल्व भी कराया है। सामाजिक विज्ञान का भी मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड कराया है, आप वीडियो देख पाएंगे, और साथ ही साथ चित्रकला विषय का भी मॉडल पेपर की वीडियो आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। और इस वीडियो में आप देखेंगे ग्रह विज्ञान का मॉडल पेपर केवल बालिकाओं के लिए और कक्षा 10 केवल प्रश्न पत्र, यानी ग्रह विज्ञान का यह मॉडल पेपर है। प्री बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल पेपर के प्रश्न आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में 100% देखने को मिलेंगे, और इस मॉडल पेपर के प्रश्न जो हैं ये सभी आपकी वार्षिक परीक्षा यानी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप ध्यान दीजिए कि यह मॉडल पेपर आप सभी के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल के साथ जुड़कर हिंदी विषय, सामाजिक विज्ञान विषय, ग्रह विज्ञान और चित्रकला विषय की बेहतर तैयारी करिए, और बोर्ड परीक्षा 2023 में इन सभी विषयों में 70 में से 65+ अंक लाने का भरपूर प्रयास करें। इसके लिए आप अपनी नोट्स भी बनाएं, और साथ ही साथ आप अपनी लगन और मेहनत के साथ बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी करते रहें। तो यहां पर आप सभी देख सकते हो फ्री बोर्ड परीक्षा ग्रह विज्ञान केवल बालिकाओं के लिए कक्षा 10 केवल प्रश्न पत्र कुछ इसी तरीके का आएगा, और इसी पैटर्न पर आधारित होंगे प्रश्न। यहां पर आप देख पा रहे हैं 3 घंटे 15 मिनट का आप सभी को समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक 70 अंकों का होगा, और कुछ सामान्य से निर्देश हैं यहां पर। चलिए, पहला निर्देश क्या है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रारंभ के 15 मिनट पहले आपको पेपर मिलेगा, यानी पेपर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, और जैसा कि प्री बोर्ड है सेम वैसा ही बोर्ड होगा, क्योंकि बोर्ड के द्वारा ही प्री बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। कहने का अर्थ है कि बोर्ड इसलिए प्री बोर्ड परीक्षाएं कराता है ताकि आप बोर्ड परीक्षा देने से पहले प्री बोर्ड में ही सीख जाएं कि इस तरीके का पेपर आएगा, पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, पेपर में आपको किस तरीके के प्रश्न आएंगे, कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा। इसीलिए यूपी बोर्ड के द्वारा प्री बोर्ड परीक्षाएं बोर्ड परीक्षा से पहली कराई जाती हैं, और इन परीक्षाओं के अंक भी जोड़े जाते हैं यूपी बोर्ड में, यानी बोर्ड की परीक्षा में प्री बोर्ड परीक्षाओं के भी अंक जोड़े जाते हैं, वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। इसीलिए प्री बोर्ड परीक्षा 2023 में जो आपकी होने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अंक भी जुड़ेंगे। इसलिए आप सभी को प्री बोर्ड परीक्षा को बड़े ही अच्छे से देना है। आप मान के चलिए बोर्ड की परीक्षा आप दे रहे हैं, ऐसे आपको तैयारी करनी है। यहां पर अगला निर्देश क्या है, नोट्स लिखा हुआ है पहला कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। और अगला निर्देश यहां पर दिया गया है, प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड का में बहुविकल्पी प्रश्न हैं तथा खंड खा में अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी तथा दीर्घोत्तरी 3 प्रकार के प्रश्न हैं, उनके उत्तर हेतु निर्देश प्रत्येक प्रश्न के पहले दिए गए हैं। और अगला यहां पर आप देख पाएंगे यहां से खंड का के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न होंगे, यानी 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा में। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, और जिनका आंसर आपको कहां फिल करना होगा, यहां पर आप देख सकते हैं ओएमआर शीट का नमूना, इसमें आपको आंसर फिल करना होगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रश्नोत्तर के 4 विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को काला करें। यहां पर आप देख लीजिए ओएमआर शीट को कैसे भरना है, ओएमआर शीट भरते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी है, आपको वीडियो मिलेगा चैनल की प्लेलिस्ट में, आप जरूर देख लें, क्योंकि यदि आप ओएमआर शीट भरते समय जरा भी गलती करते हो, यहां पर जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें सही था 1 का 3रा और यहां पर गलती से 4था
भी हो गया तो ये काट दिया जाएगा, 20 नंबर कट जाएंगे, तो इसलिए आप वीडियो जरूर देखें। मैंने कंप्लीट बताया है किस तरीके से आपको ओएमआर सीट भरनी है और किस तरीके से प्रश्नों का आंसर भरना है। तो ओएमआर सीट भरने का तरीका आप जरूर जान लो, अन्यथा ये 20 नंबर आपके चले जाएंगे, काट दिए जाएंगे यदि आपसे जरा भी गलती होती है। तो यहां पर 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, इन सभी का आंसर आपको ओएमआर सीट में भरना होगा। पहला प्रश्न यहां पर है, निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के चार चार वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनकर उन्हें क्रमवार ओएमआर उत्तर पत्रक में भरिए। यानी उत्तर पत्रक यानी ओएमआर सीट आपको मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको नमूना दिखाया है उसी में आपको सही विकल्प का चुनाव करके भरना है। पहला प्रश्न क्या है कि बजट की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं। ये सभी प्रश्न इस प्रश्न पत्र के जितने भी यह मॉडल पेपर है, आप सभी इन सभी प्रश्नों को जरूर नोट कर लें। सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही मैंने इस मॉडल पेपर में सम्मिलित किया है। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने कमेंट भी करते रहें। बजट की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, पहला विकल्प है भोजन, दूसरा है आवास, तीसरा है वस्त्र और चौथा है ये सभी। तो यहां पर राइट आंसर क्या है कि बजट की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, इसका राइट आंसर है ये सभी। अब ओएमआर शीट में कैसे भरा जाएगा, यहां पर जैसे कि पहले का चौथा सही था तो यहां पर पहले का यहां पर डी वाला ऑप्शन यानी गोला काला कर दिया जाता। इस तरीके से आपको ओएमआर सीट भरनी है। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होता है, जो सरकारी कर्मचारी होता है जब उसकी नौकरी छूट जाती है यानी जब उसकी सेवा समाप्त हो जाती है, कहने का अर्थ है जब वह रिटायर हो जाता है तो उसके बाद उसे क्या प्राप्त होता है। जैसा कि आप सभी को पता है पहला विकल्प है वेतन, दूसरा है पेंशन, तीसरा है बोनस और चौथा है इनमें से कुछ नहीं। तो जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है उसे क्या प्राप्त होता है, पेंशन प्राप्त होने लगती है। अगला प्रश्न है खाने का सोडा मिलाकर पकाने से नष्ट होता है, क्या नष्ट होता है, पहला विकल्प है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है खनिज लवण। तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप सभी इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। प्रश्न संख्या 4 है, रोगी का भोजन होना चाहिए, यदि कोई रोगी है उसका भोजन कैसा होना चाहिए, बीमार व्यक्ति का भोजन कैसा होना चाहिए। पहला यहां पर विकल्प दिया गया है गरिष्ठ, दूसरा है चटपटा, तीसरा विकल्प है सुपाच्य और चौथा है बिना पका। तो रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए, रोगी का भोजन होना चाहिए सुपाच्य, यानी जो पचाने योग्य हो, यानी जो रोगी खाए और उसे खाने में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसलिए रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है और यह लगातार बोर्ड परीक्षाओं में आता रहा है। आप इस मॉडल पेपर को प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जरूर तैयार कर लो, यहां से प्रश्न आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है जल का रासायनिक सूत्र क्या है, यहां पर पहला विकल्प है HO, दूसरा है विकल्प यहां पर HO2 होगा और यहां पर है तीसरा विकल्प H2O और चौथा विकल्प है H2O2, इस तरीके से होगा, यहां पर आप सभी ध्यान दीजिएगा H2O2 इस तरीके से होगा और यहां पर क्या होगा H2O इस तरीके से और यहां पर होगा HO2 इस तरीके से होगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप समझ जाइएगा। तो यहां पर जल का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, जल का रासायनिक सूत्र है यहां पर H2O, जो तीसरा वाला विकल्प है यह सही है, बाकी तीनों और विकल्प क्या हैं, गलत हैं। और यदि आप सभी ग्रह विज्ञान की बेहतर तैयारी कर लेते हो, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इतने इजी प्रश्न आते हैं, यदि आप सभी ग्रह विज्ञान की एक बार बेहतर तैयारी कर लेते हो तो आप 70 में से 65 प्लस या फिर आप 70 में से 70 का भी स्कोर कर जाओगे, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। क्योंकि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कितने इजी प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों को यदि आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो 70 में से 70
अंक लाना भी बिल्कुल कठिन नहीं है, बस आपको मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा और अपनी नोट्स भी बनाते रहिएगा। प्रत्येक विषय की आप अपनी नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हो तो इससे आपको काफी ज्यादा लाभ होगा। एक तो आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी, यदि अच्छी है तो और भी अच्छी होगी, लिखने का अभ्यास हो जाएगा और साथ ही साथ आपको याद भी हो जाएगा। यहां पर अगला प्रश्न है, कपड़े की कटाई के लिए मिल्टन चाक का या मिल्टन चाक से निशान लगाए जाते हैं क्योंकि, क्यों लगाए जाते हैं? निशान सुंदर बनता है। दूसरा विकल्प है, निशान सरलता से छूट जाता है। तीसरा विकल्प है, निशान अस्थाई होता है। और चौथा है विकल्प, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कपड़े की जब कटाई की जाती है तो उसमें मिल्टन चाक से निशान लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? ताकि निशान सुंदर बन जाए इसलिए, या निशान सरलता से छूट जाता है इसलिए, या फिर निशान अस्थाई होता है। यदि कपड़े की कटाई की जाती है मिल्टन चाक से, यदि निशान लगाया जाता है और वह निशान अस्थाई बना रहे तो कैसा लगेगा? बिल्कुल भद्दा लगेगा। निशान सुंदर बनता है इसलिए निशान लगाया जाता है? बिल्कुल नहीं। निशान सरलता से छूट जाता है इसलिए कपड़े की कटाई के लिए मिल्टन चाक से निशान लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस मॉडल पेपर के। और पहला विकल्प है खसरा, दूसरा विकल्प है हैजा, तीसरा विकल्प है टिटनेस और चौथा विकल्प है फ्लेग। तो कौन सा रोग है जो जल के द्वारा फैलता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जल के द्वारा फैलने वाला रोग है यहां पर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है? इसका राइट आंसर है हैजा। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 है, पर्यावरण कहते हैं, पर्यावरण किसे कहते हैं? पहला विकल्प है वातावरण को, दूसरा विकल्प है प्रदूषण को, तीसरा विकल्प है पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को, यानी जो पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण होता है उसे ही क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, कचरा प्रबंधन क्यों आवश्यक है? पहला विकल्प दिया गया है घर की सुचारू सफाई के लिए, दूसरा है विकल्प केवल दिखाने के लिए, तीसरा है विकल्प औपचारिकता निभाने के लिए और चौथा विकल्प है केवल सरकारी निर्देशों के लिए। तो कचरा प्रबंधन क्यों आवश्यक होता है? कचरा प्रबंधन इसलिए आवश्यक होता है कि केवल दिखाने के लिए हम कचरा प्रबंधन करते हैं या औपचारिकता निभाने के लिए करते हैं या केवल सरकारी निर्देशों के पालन के लिए करते हैं? बिल्कुल नहीं। कचरा प्रबंधन इसलिए आवश्यकता होती है कचरा प्रबंधन की कि घर की सुचारू रूप से सफाई हो सके, इसीलिए कचरा प्रबंधन किया जाता है, यानी कचरे को अच्छी जगह से उसको संग्रहित किया जाता है। यहां पर पहला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और प्रश्न क्या है कि संक्रामक रोग फैलते हैं? यहां पर पहला विकल्प है वायु द्वारा, दूसरा विकल्प है जल के द्वारा, तीसरा विकल्प है संपर्क के द्वारा और चौथा है ये सभी। तो जो संक्रामक रोग होते हैं ये वायु द्वारा भी फैलते हैं, जल द्वारा भी फैलते हैं और संपर्क के द्वारा भी फैलते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। प्रश्न संख्या 11 है, कपड़ा काटने से पूर्व की जाने वाली क्रिया है। पहला विकल्प है कपड़ा काटने से पूर्व की जाने वाली क्रिया है, इसका विकल्प क्या है? पहला कपड़े को शिंक करना, दूसरा है विकल्प कपड़े को करना, तीसरा विकल्प है विकल्प का व खा दोनों, यहां पर विकल्प का व खा दोनों होगा और यहां पर चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो कपड़ा काटने से पूर्व की जाने वाली क्रिया है, यहां पर राइट आंसर क्या है? विकल्प का व खा दोनों, यानी कपड़े को सिंक करना और कपड़े को इस्त्री करना। इसके बाद अगला प्रश्न है यहां पर प्रश्न संख्या 12 कि वह कौन सा अंग है जिसमें हड्डी टूटने पर खपच्ची नहीं बांधी जाती? तो वेरी इजी प्रश्न है, इस सभी यहां पर आप देख पा रहे हैं और इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लो। 2023 प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि वह कौन सा अंग है जिसमें हड्डी टूटने पर खपच्ची नहीं बांधी जाती। पहला विकल्प है कलाई, दूसरा विकल्प है घुटना, तीसरा विकल्प है खोपड़ी और चौथा विकल्प है कोहनी। तो कलाई की यदि हड्डी टूटती है तो खपच्ची बांधी जा सकती है, घुटना की यदि हड्डी टूटती है तो भी खपच्ची बांधी जा सकती है, और यदि कोहनी की हड्डी टूटती है तो खपच्ची बांधी जा सकती है या जाती भी है, लेकिन खोपड़ी में यदि हड्डी टूट जाती है तो खपच्ची नहीं बांधी जाती। यहां पर तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, प्रोटीन का उत्तम स्रोत क्या है। यहां पर पहला विकल्प है दालें, दूसरा है अंडा, तीसरा विकल्प है मछली और चौथा है ये सभी। तो इसका आप आंसर कमेंट करके बताइए कि प्रोटीन का जो है अच्छा या उत्तम स्रोत क्या है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूर्य की रोशनी हमें देती है क्या देती है, विटामिन सी देती है, विटामिन ए, विटामिन डी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य की रोशनी हमें क्या देती है, सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, विटामिन सी और विटामिन ए हमें सूर्य की रोशनी से नहीं प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है विटामिन ए का उत्तम स्रोत क्या है, दाल, दूसरा विकल्प है दूध, तीसरा विकल्प है खट्टे फल और चौथा विकल्प है पीली और हरी सब्जियां। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद प्रश्न संख्या 16 है, मानव शरीर में एकमात्र धमनी जो भी ऑक्सीजनित यानी ऑक्सीजन रहित रक्त वहन करती है क्या कहलाती है। यहां पर पहला विकल्प है दाई हृदय धमनी, दूसरा विकल्प है बाई हृदय धमनी, तीसरा विकल्प है फुसफुस धमनी और चौथा विकल्प है ग्रीवा धमनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर तीसरा वाला जो विकल्प है यह सही हो जाएगा कि मानव शरीर में एकमात्र धमनी जो भी ऑक्सीजनित या ऑक्सीजन रहित रक्त वहन करती है क्या कहलाती है, फुसफुस धमनी कहलाती है। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोच का लक्षण क्या है। मोच का लक्षण क्या है, पहला विकल्प है पीड़ा होना, दूसरा है विकल्प सूजन होना, तीसरा है मांसपेशियों में खिंचाव होना और चौथा है ये सभी। तो जब आपको या किसी को मोच आ जाती है तो उसका लक्षण क्या होता है, पहली बात तो पीड़ा होती है यानी दर्द होता है, दूसरा जहां पर मोच आती है वहां सूजन भी हो जाती है, तीसरा मांसपेशियों में खिंचाव यानी तनाव भी बना रहता है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सभी हैं मोच के लक्षण। और अगला प्रश्न है सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है, कब होता है, डूबने पर, मूर्छित होने पर, अस्थिभंग में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग कब होता है, डूबने पर होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर अगला है नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। यहां पर पहला विकल्प है 70 से 80 बार, दूसरा है 80 से 90 बार, तीसरा है 90 से 100 बार और चौथा है 100 से 120 बार। तो नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर पहला विकल्प है 70 से 80 बार, यदि विकल्प में दिया होता 72 से 80 बार तो भी यही विकल्प सही होता, यहां पर पहला ही विकल्प क्या है, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, यहां पर आप सभी देख लीजिए, राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है। पहला विकल्प है बैंक की, दूसरा विकल्प है यहां पर बीमा निगम की, तीसरा है डाक खाने की और चौथा है इनमें से किसी की नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है कि राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है, इसका राइट आंसर है डाक खाने की। राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है, डाक खाने की योजना है, आप सभी ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके के 20 प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, जिनका आंसर आपको ओएमआर शीट में फिल करना होगा और मैंने वीडियो प्रोवाइड करा रखी है, आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। इसके बाद यहां आप देख सकते हैं खंड खा के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, कितने अंक के होंगे, 50 अंक के। तो यहां पर अति लघुत्तरी प्रश्न निर्देश भी लिखा है, प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरी हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों के अंतर्गत लिखना है।
और ये सभी प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और यहां पर प्रश्न संख्या 21 क्या है, राष्ट्रीय बचत पत्र क्या है, दो नंबर का प्रश्न है, यानी अति लघुतरी प्रश्न का उत्तर देने पर आपको दो नंबर मिलेंगे। और आप सभी ध्यान दीजिएगा, ये अति लघुतरी जितने भी प्रश्न आएंगे इनका आपको सभी प्रश्नों का आंसर देना है। अगला प्रश्न है यहां पर, 12 कुर्सियों का मूल्य 504 रुपए है, एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। और प्रश्न संख्या 23 है, भूनने और सेकने में क्या अंतर है। और प्रश्न संख्या 24 है, मिल व कल कारखानों से वातावरण कैसे प्रदूषित होता है। यहां पर आप देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही मैंने इस मॉडल पेपर में सम्मिलित किया है। आप सभी इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लो। और इसके बाद प्रश्न संख्या 25 है, भोजन को तलकर पकाने की कोई दो हानियां लिखिए। प्रश्न संख्या 26 है, प्राथमिक चिकित्सा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद लघुतरी प्रश्न आएंगे, इसमें भी निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुतरी हैं, इनके उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको देने पर चार नंबर मिलेंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 27 वाला प्रश्न है, चेक भरते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अथवा में प्रश्न है 35 एवं अतिसार में क्या अंतर है। तो यहां पर आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना होगा, चाहे तो आप 27 का उत्तर दें या अथवा वाले प्रश्न का उत्तर दें, आपको चार नंबर मिलेंगे। और ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, कूड़ा करकट को नष्ट करने की विधियों का वर्णन कीजिए। और अथवा वाला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, घर पर ही वस्त्रों की सिलाई करने के लाभ लिखिए, यानी घर पर वस्त्रों की सिलाई करने से क्या लाभ होते हैं। और प्रश्न संख्या 29 है, यहां पर मिल्टन चाक एवं मीटर टेप का उपयोग बताइए। और अथवा में प्रश्न है यहां पर, हरी सब्जियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, सब्जियों का सूप बनाने की विधि लिखिए। और प्रश्न संख्या 30 है, हड्डी की टूट एवं मोच में अंतर स्पष्ट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। और अथवा वाला प्रश्न तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, श्वास क्रिया की दर से क्या अभिप्राय है, ये सभी प्रश्न आप जरूर तैयार कर लेना। और इसके बाद प्रश्न संख्या 31 है, जोड़ उतरने के क्या लक्षण हैं, कंधे की हड्डी उतरने पर प्राथमिक उपचार आप किस प्रकार करेंगी। और अथवा वाला प्रश्न है, तापक्रम चार्ट में आप क्या क्या लिखेंगी। तो आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इसके बाद आएंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न, यानी विस्तृत उत्तरी प्रश्न, निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरी हैं, प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत आपको लिखना है। यहां पर प्रश्न संख्या 32 क्या है, पारिवारिक बजट से संबंधित एंजल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। और अथवा में प्रश्न आया है कि वस्त्रों की कटाई या सिलाई के लिए नाप लेने की विधियों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर 33 है, तरल तथा अर्ध तरल भोजन क्या है, अर्ध तरल भोजन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से किस विधि द्वारा पकाना सर्वोत्तम होगा, सविस्तार समझाइए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी आप जरूर तैयार कर लेना। और यहां पर आप देख पाएंगे कि दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न होगा, प्रत्येक प्रश्न का आंसर देने पर आपको 6 नंबर मिलेंगे। इसके बाद यहां पर अथवा में प्रश्न दिया गया है 33 का, अथवा चाहे तो आप 33 वाले प्रश्न का उत्तर दें या अथवा वाले प्रश्न का उत्तर दें, किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना होगा और जिसके लिए 6 नंबर निर्धारित हैं। अथवा में प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, अस्थि भंजन के मुख्य लक्षण क्या है, अस्थिभंजन की सामान्य प्राथमिक चिकित्सा आप किस प्रकार करेंगी। और इसके बाद प्रश्न संख्या 34 जो कि लास्ट प्रश्न होगा आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के पेपर का, स्पंज करने से क्या आशय है, स्पंज करने की विधि लिखिए, स्पंज करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैंने आप सभी को इस वीडियो में प्री बोर्ड परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी
महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस मॉडल पेपर में सम्मिलित किया। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने कमेंट भी करते रहें। साथ ही चैनल के साथ जुड़े रहें और 2023 वार्षिक परीक्षा की, बोर्ड परीक्षा की भी बेहतर तैयारी करते रहें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी नोट्स भी बनाते रहिए। जय हिंद।